आज हम आपको भिन्न से दशमलव में कैसे बदलें सिखाने वाले हैं। ऊपर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो हम एक में भाग देंगे 25 का। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ शून्य लेंगे। शून्य लेने के लिए हमें यहाँ 0.0 लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 25 का भाग फिर नहीं जा रहा, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर यहाँ 0। अब 25 का इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 25 का 25, 25 में 50, 25 के पीछे तो 600 माइनस करेंगे। अब कितनी बार भाग जाए, 4 बार, तो अभी यह हमारा आंसर होगा। अब 8 में 8 का 1 में भाग देंगे। नहीं जा रहा तो यहाँ शून्य लेंगे, शून्य 0 लगाना पड़ेगा। अब 8 का एक बार भाग जा रहा है, 8 एक बार माइनस करेंगे 2। अब फिर यहाँ 0 अब नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगर कोई संख्या आ जाती है उसके बाद हम 0 नहीं लगाते हैं, तो अब 8 का इसमें भाग देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 8 का इसमें भाग देंगे, 2 बार जा रहा, 16 माइनस करेंगे 4। अब फिर यहाँ 0 नहीं लेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 बार भाग जाएगा। 8 का भाग इसमें देंगे, 8 × 5 = 40, 40 माइनस करेंगे 0 0, यहाँ 5, हमारा आंसर होगा 0.125। बंद कर दो।